कांग्रेस की प्रभारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। नेशनल हेराल्ड केस में यह पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी से ईडी की इस पूछताछ को कांग्रेस केंद्र सरकार पर विपक्ष को परेशान करने और दबाव डालने के लिए साजिश बता रही है। इसके विरोध में देश के अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में भी जगह जगह कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सत्याग्रह नाम दिया गया, लेकिन नागपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहां कार्यकर्ताओं ने जीपीओ चौक में गाड़ी को आग लगा दी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार और उनकी बेटी शिवानी वडेट्टीवार के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीपीओ चौक के पास गाड़ी फूंक दी। इस वजह से पूरे इलाके में तनाव का वातावरण दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता को पकड़कर ली गई। इस खबर की एक ओरिजिनल क्लिप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।